हम लोग पहुंच चुके हैं यामा शोरूम और मेरे पीछे देख पा रहे हो सो ब्यूटीफुल बीस्ट रखा हुआ है यामा MT15 वर्जन 2। तो मैं कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लेता हूं और आप लोग जरूर से एंजॉय कीजिएगा गाइस। Careful with your pretty eyes and run with me, you're done. Cause you and I are a secret. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, अभी डायरेक्ट मोटो ब्लॉग से मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। सो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ मतलब राज को लेके यामा शोरूम, क्योंकि कुछ दिन पहले यामा शोरूम में मतलब MT15 का जो न्यू वर्जन है वर्जन 2 वो ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे शोरूम से कल फ़ोन किया था कि आप एक बार आ जाना आके मतलब ब्लॉग बनवा लेना। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि गुवाहाटी में जाने के बाद मैं बिजी हो जाऊँगा तो ब्लॉग बनाया भी नहीं हो पाएगा, बनाना नहीं होगा। तो सोचा कि चलो सिलचर में ही ब्लॉग बना लेते हैं। और वैसे भी राज भाई है आज फ्री, तो भाई को मैंने बोला कि अगर फ्री हो तो चलो चलते हैं और ब्लॉग जाके बनवाते हैं। और उस दिन मैं वैसे हीरो शोरूम गया था अपना सर्विसिंग करवाने अपना बाइक को, तब मैंने देखा था कि मतलब 2-3 पीस आया है MT15 का। तो MT15 का मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया था, तो स्क्रीन में आ रहा होगा, आप लोग ज़रूर से चेक कर लेना। बाइक देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ MT15 का शायद से 4 कलर आया है, तो मैं आपको शोरूम में जाके दिखाता हूँ और कुछ बातें बातें करके जाते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं शोरूम की तरफ। और स्कूटी तो बहुत मैला हो चुका है, जैसे कि देख पा रहे हो बहुत गंदा हो चुका है। मतलब मैं आजकल धोता वोता नहीं हूँ और मम्मी भी आजकल मतलब स्कूटी वूटी नहीं चलाते। देख रहे हो होली का कलर वाला लगा हुआ है। मैं जब लास्ट टाइम होली खेला था, मतलब लास्ट टाइम जब मैं होली के टाइम में मैं अपना स्कूटी लेके निकला था, तो मैं होली खेलते खेलते मेरा स्कूटी ने भी होली खेल लिया अच्छे से। तो अब तक वॉशिंग नहीं हुआ, तो सोच रहा हूँ आज वॉशिंग करवा लूँ एक बार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दो, लाल बटन को दबाओ और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। स्क्रैम्बलर एक रोडस्टर है, स्क्रैम्बलर है ना, रोडस्टर, हाँ एक स्क्रैम्बलर और रोडस्टर। मस्त बाइक है। बट मुझे पर्सनली SD का मुझे एक ही बाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है आपका SD एडवेंचर जो प्रश्नित शाह के पास है, वही बाइक मुझे सबसे मस्त लगा। और गाइस अगर आप लोगों को रिव्यू वीडियो चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करना। अरे अरे, हम लोग शोरूम छोड़ के जा रहे थे। हम लोग पहुंच चुके हैं यामा शोरूम और मेरे पीछे देख पा रहे हो सो ब्यूटीफुल बीस्ट रखा हुआ है यामा MT15 वर्जन 2। तो मैं कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लेता हूं और आप लोग ज़रूर से एंजॉय कीजिएगा गाइस। और उसके बाद मैं टेस्ट राइड दूंगा, डिटेल्स में सब कुछ बताऊंगा इस बाइक में क्या क्या न्यू फीचर्स आया है क्या नहीं, एवरीथिंग बताऊंगा और क्या क्या कलर आया है सब कुछ आपको बता दूंगा। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए और ज़रूर से एंजॉय कीजिए गाइस। हम लोग पहुंच चुके हैं यामा शोरूम के गोडाउन पे। तो यहाँ पे जिसकी बाइक रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बाइक का कौन सा न्यू कलर आया है। तो बाइक का जो मतलब यामा MT15 का 4 कलर आया है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक एक करके। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर जो है मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, इसका जो व्हील्स जो है ना पूरा ब्लैक हो गया है, तो बहुत अच्छा कलर लग रहा है। और ये है MT15 का दूसरा कलर, ऑरेंज और वाइट में। ये वाला पहले भी ये वाला कलर था। और थर्ड वाला कलर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला थर्ड वाला कलर है, ब्लू कलर में आया है। कोड जो कलर है ना, लास्ट कलर जो चौथा वाला जो कलर है, वो शोरूम में रखा हुआ है। तो मैंने उसके कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लिया है, तो आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लेना। वो वाला कलर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और ब्लैक वाला कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर मैं इन फ्यूचर अगर MT15 लेता हूँ या फिर मेरा कोई दोस्त लेता है, तो मैं तो बस दो ही कलर सजेस्ट करूँगा, ब्लैक कलर और वो वाला कलर, वो जो एज ब्लू ना कौन सा है वो वाला कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। MT15 का मतलब वो वाला ना कलर जो एकदम यूनिक लगा। अगर हम लोगों का बाइक रेडी करके दे रहे हैं MT15 जो अभी टेस्ट राइड करने वाले हैं। तो अंकल आपका नाम, तुम्हारा नाम कितना? ताजुद्दीन।
अच्छा अंकल हम लोग को मतलब मिरर विरर लगा के दे रहे, अंकल बोला था कि मिरर विरर नहीं लगाने के लिए, बट अंकल ने बोला नहीं मतलब मिरर लगा के देंगे थोड़ा सुंदर लगेगा, तो इसलिए अच्छा है वैसे मिरर लगा लेते, लगाने के बाद थोड़ा और भी लुक्स इनहेंस हो जाएगा, अच्छा लगेगा दिखने में। तो उसके बाद टेस्ट ड्राइव लेंगे, फिर आपको बताएंगे हम लोग बाइक का रिव्यू करेंगे सब कुछ अच्छे से, और डिटेल्स में राज भाई तो है वो डिटेल्स में बता देगा बाइक के फीचर्स एंड ऑल सब कुछ, तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अब इस बाइक को, ब्यूटीफुल सा बाइक को। तो भाई ने भी टेस्ट राइड लिया, कैसा लगा भाई आपको टेस्ट राइड करके? मस्त ना? तो स्टार्ट देते हैं। ओह बढ़िया है। तो बाइक को डिलीवरी हो चुका है, मतलब हम लोग लेके निकल रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बाइक बस यहाँ तक चलेगा। ओह बाइक तो सही है। तो बाइक का जो पोस्टर है ना गाइस बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, मस्त लगा मुझे अब तक। यहाँ पे एग्जैक्टली मिरर में देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं हूँ। तो अभी थोड़ा चलाते हैं फिर आप लोगों को बताएंगे बाइक कैसा लगा मुझे। हाँ बाइक तो है, बहुत पावर है उसमें, समझ आ रहा है जैसे कि फील तो हो रहा है। ओह सही है सही है सही है सही है, बहुत सही है बाइक तो, सही है एकदम बढ़िया बाइक है। बट बाइक को ज़्यादा हम लोग खींच नहीं पाएंगे क्योंकि मतलब ये मतलब अलाउ नहीं है मतलब रोड में लेके जाने का, बस थोड़ा बहुत ही टेस्ट ड्राइव लेंगे। वैसे मैंने MT-15 का जो पुराना वर्जन जो है वो मैंने बहुत बार चलाया है, हम लोग का केतन भाई के पास ही है तो उसका बाइक तो मैंने चलाया था, और इसमें आपको 6 गियर मिलेगा और पावर है भाई, बहुत पावर है इसमें। और इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो भी बहुत खूबसूरत है, एक बार क्लस्टर देखो इसका इंस्ट्रूमेंटल, बस इसका मिरर जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, फिर भी चला के देखते हैं। तो अभी मैंने देखा बाइक का एक चीज़ नोटिस किया, ये आप उठा के भी रख सकते हो मिरर, ये मुझे पता नहीं था, अब जाके मिरर अच्छा लग रहा है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और ये जो है ना मतलब इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बहुत ही मतलब छोटा है, और इसका डिस्प्ले भी बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर लगा। वैसे किसी दिन अगर मेरा कोई दोस्त अगर ये परचेस करता है तो मैं ज़रूर से इसका टेस्ट ड्राइव अच्छे से लूँगा, अभी तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ, रास्ता में तो जा नहीं सकते तो यहीं पर टेस्ट ड्राइव लेते हैं। ओह पिकअप है भाई, इसमें पिकअप है। और ये बाइक आपको सिंगल चैनल ABS के साथ मिल रहा है, जैसे कि आपको पता ही, डबल चैनल पता नहीं इस बाइक में क्यों नहीं दिया। और यहाँ पे RPM मीटर है जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी के साथ मिल रहा है जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, गियर इंडिकेटर है, और यहाँ पे Trip 1 Trip 2 वगैरह वगैरह दिया है। तो अच्छा है ये जो इसका जो इंस्ट्रूमेंटल जो क्लस्टर है ना मतलब डिस्प्ले जो है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, मतलब आप देखने एक चीज़ जब आप शेडो में आ जाओ तब ये लाइट बहुत अच्छे से मतलब ग्लो कर रहा है, ब्लू कलर से ग्लो कर रहा है, आप जब मतलब सन के सामने जाओगे तब ये पूरा वाइट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं देगा, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। और इसका जो बैठने का जो पोस्चर है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा चलाते हैं फिर फील लेके आपको बताएंगे। अरे अरे हाँ यहाँ पे है हॉर्न, मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे हॉर्न कहाँ पे है, मैं कहीं और पे क्लिक कर रहा था। तो लास्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे चला लेते फिर चलते हैं। इसका पिकअप है भाई, बहुत पिकअप है इसमें, इस बाइक में बहुत पिकअप है। हॉर्न भी सही है, बहुत सही है हॉर्न। टेस्ट ड्राइव वगैरह ले लिया, बाइक तो बहुत मक्खन जैसा स्मूथ है, ज़्यादा तो नहीं चला है मतलब थोड़ा बहुत यहाँ से यहाँ मतलब घुमा बाइक लेके, चला के अच्छा लगा, ज़्यादा स्पीड भी नहीं उठाया, कम से कम मैंने 50 उठाया होगा, ज़्यादा उठाया नहीं, इतना छोटा सा मतलब जगह में कैसे उठाऊँ, और इंस्टेंट पिकअप है भाई बाइक में। तो अब भाई आपको डिटेल्स में बताएगा इसके बाइक के बारे में, तो चलिए भाई से सुनते हैं। आप बताओ इस बाइक के बारे में, पहले आप ये बताओ कि बाइक चला के आपको कैसा लगा? बाइक तो भाई पहले जैसा था वैसा ही है बाइक, जो इसमें नया है इसमें कलर का चेंजेस है, और इसमें 1 मिनट रुको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ 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 कलर
बेसिकली इसमें चार कलर्स ऐड हुए, एक ग्रे है, ये ब्लैक वाला हो गया, वाइट वाला तो पहले से ही था, और एक वो यहाँ पे रखा हुआ है ब्लू कलर का जिसके आप देख पा रहे हो, और दूसरा जो कलर है वो शोरूम में रखा हुआ है, चौथा वाला कलर। और बाकी सब कुछ सेम ही, आप लोगों को पता है एम्प्टी स्क्रीन के बारे में, सभी को पता है आजकल के यूथ इतना मतलब एंथुसियास्ट है एम्प्टी स्क्रीन को लेके, तो क्या बताना इसमें। मेन जो इसमें है, इसमें जो नया है ये है यूएसबी फ्रंट फोर नया इसमें दिया गया है, और इसमें R15 वाला स्विंग आर्म भी दिया गया है, मतलब मेटेलिक स्विंग आर्म इसमें दिया गया है, वो जो कि R15 में होता है। पहले सस्पेंशन वाइट कलर में आता था, अभी ये येलो कलर में है, तो इससे बहुत लुक्स भी अच्छा लग रहा है, भी अच्छा आता है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें ब्लूटूथ वगैरह आजकल सभी मतलब बाइक और स्कूटी में आ रहे हैं, तो वही दिया गया है। बाकी इसमें सब कुछ सही है। एक कंप्लेंट जो यामाहा को देना चाहता हूँ कि मतलब दोबारा से सिंगल चैनल ABS क्यों भाई क्यों, डबल चैनल ABS देना चाहिए था। हाँ, ये मेरा माइंड में भी यही क्वेश्चन है, मुझे लगा था कि इस बार वर्जन 2 में एटलीस्ट डबल चैनल ABS आएगा। इसका प्राइस भी 15,000 या 20,000 मतलब बढ़ गई है अभी। हाँ। तो देना चाहिए था यार। हाँ। और क्या ही बताया, उसमें आपको वही MRS का टायर सकता है 140/70 एलॉय व्हील 17 inches का। अच्छा। और बाकी आप लोगों ने देख लिया, भाई ने भी बताया। हाँ। और अगर किसी को टेस्ट ड्राइव लेना है तो आ जाइए यहाँ पे कार्ड रूम पे जो कि सिनाई रोड में है। हाँ। और ये चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस भी दिया गया है, तो आ जाइए। बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में, क्योंकि बाइक लेने के बाद माइलेज के बारे में तो बात करना ही पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को सोचना ही पड़ता है बाइक लेने के पहले। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई 2 लाख के अंदर कौन सा बाइक लो, माइलेज कितना देता है, तो मेरे ख्याल से ये बाइक स्टूडेंट्स लोगों के लिए ठीक है, परफेक्ट है, आप आराम से राइड वाइड भी कर सकते हो और सिटी में भी चला सकते हो। सिटी में चलाने में ये कम्फर्टेबल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने M15 का पुराना वर्जन जो था वो भी मैंने चलाया, और ये एग्जैक्टली सब सेम ही बाइक है, तो इसका माइलेज आई गेस आपको टाउन में मिल जाएगा 50-55 और हाईवे में आपको 60 मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर थर्ड सर्विसिंग के बाद। ऐसे तो बाइक मुझे बहुत तमाम अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी मैं आपको थोड़ा सामने का लुक्स दिखाता हूँ, ये बाइक का ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सामने का लुक्स देखो बहुत खूबसूरत लग रहा है बहुत ज़्यादा, और ब्लैक कलर में ना यहाँ पे जो गोल्डन का जो ये दिया है ना, मतलब बहुत मस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा मस्त। तो गाइस कमेंट करके बताओ कौन सा बाइक आपको, मतलब इस बाइक में कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे कलर रखा हुआ है जैसे कि ये कलर फिर तीसरा एक और कलर रखा हुआ है, ये कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। तो आपको मैं एक बार वॉक अराउंड दे देता हूँ इस बाइक का, अभी एग्जैक्टली 6 गियर में जैसे कि देख पा रहे हो, तो हाँ गियर में इसका टॉर्क मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्क है, आपको लो एंड में बहुत पावर मिलेगा, और ट्रैफिक में आप बिंदास खोल के चला सकते हैं इस बाइक को। आप देखिए मैं अभी इसको चलाऊंगा, ज़रूर से कमेंट करके बताना आपको ये बाइक कैसा लगा, जो नया कलर में जो बाइक है M15 का वर्जन 2, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भाई आपको चला के कैसा लगा वो बताओ। चला के तो पहले भी मैं चला चुका हूँ। हाँ। सेम ही है। वो चेंजेस है कलर में, एक रोड प्रेजेंस अलग से आएगा आप जब निकलोगे इस बाइक को लेके रोड पे, तो वही है बात। और 150cc में 6 गियर मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए, और इतना अच्छा माइलेज दे रहा है, पहले भी मिलता था और इतना अच्छा माइलेज दे रहा है, और क्या ही चाहिए भाई। अगर स्टूडेंट में अगर मेरे को अगर लेना होता ना तो मैं यही लेता। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने X-Pulse क्यों लिया, मैं जब बाइक बुक करने आया था तब मेरा मतलब बकेट लिस्ट में यही वाला ऑप्शन था कि मैं M15 लूँ या फिर X-Pulse, बट उस टाइम मतलब M15 अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए कारण ले नहीं पाए, तो मेरे को X-Pulse लेना पड़ रहा, अदरवाइज मैं तो M15 लेता भाई, इतना अच्छा माइलेज दे रहा है। बट मुझे ये बाइक ठीक चला के और एक्सपीरियंस करके बहुत मज़ा आया। तो भाई ने आपको सब स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ बता दिया, और यहाँ पे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मैं मतलब इतना ज़्यादा बोल नहीं पाया, और एक ब्लॉग आएगा रमज़ान का, मतलब रमज़ान का श्योर जरूर। तो टेस्ट ड्राइव हो चुका है, स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ बता दिया, आप मैं मिलवाता हूँ भाई से, तो भाई आ जाओ आप इस साइड में। आपका नाम बताओ। चलिए मोहम्मद दोस्तों। और यहाँ पे अंकल है जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, थैंक यू अंकल, आपने बहुत हेल्प किया, अंकल ने मिरर विरर लगा के दिया। तो गाइज अगर आप मतलब टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो तो भाई के साथ कांटेक्ट कर लेना, भाई यहाँ पे मतलब सर्विस मैनेजर हो ना, तो भाई के साथ कांटेक्ट करके आप लोग ये कर सकते हो टेस्ट ड्राइव लेना है। और भाई आप मुझे इस शोरूम का एड्रेस थोड़ा बता दो तो व्यूअर्स को अच्छा होगा। हाँ, तो आप भैया से कांटेक्ट कर लेना, भैया तो आप तो टेस्ट ड्राइव दे दोगे ना, तो टेस्ट ड्राइव मैंने जिसकी टेस्ट ड्राइव लिया तो भैया भी आपको टेस्ट ड्राइव दे देंगे, तो मेरा जो व्यूअर्स है आएंगे टेस्ट ड्राइव देंगे, तो आप थोड़ा दे देना बस टेस्ट ड्राइव चलाने के लिए, ठीक है, थैंक यू भैया। ओके भाई।
तो मुझे पर्सनली मतलब MT-15 चला के तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा बाइक है, बहुत पावरफुल मशीन है 155cc में, और कलर वेरिएंट भी देखो चार चार कलर वेरिएंट पे आया है और चारों का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस वो जो वाइट कलर का जो है ना, वाइट और ऑरेंज, वो तो पहले भी मतलब वो वाला कलर था MT-15 में। तो वैसे MT-15 में ज़्यादा कुछ तो चेंजेस नहीं हुआ, पहले पुराने जो BS6 मॉडल था 2021 वाला मॉडल उसी की तरह ही है, और अभी जो नया मॉडल है वर्जन 2 वो 2022 मॉडल है, तो ज़्यादा कुछ तो चेंजेस नहीं हुआ, बस कलर वगैरह चेंजेस हुआ और थोड़ा बहुत जैसे भाई ने बोला कि कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस हुआ वही, और कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। तो मुझे जैसे कि लग रहा था कि इस बार मैंने एक्सपेक्टेशन रखा था कि यार MT-15 का जो वर्जन 2 होगा उसमें एटलीस्ट मतलब आपको डबल चैनल ABS के साथ मिल जाएगा, बट इस बार भी मतलब सिंगल चैनल ABS के साथ मिला, तो इसी कारण थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मेरे को फील हुआ। बस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, तो आप लोग ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए कि कितना प्राइस है क्या नहीं, मैं एक बार मैनेजर से बात करके डाल दूंगा प्राइस वगैरह। वैसे वो लोग भी अभी तक भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि अब तक मतलब सेल वगैरह नहीं हुआ ना उनका, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं आया था, तो उन लोग ने प्रॉपर बता नहीं पाया। वैसे गाइस आप लोगों को कैसा लगा बाइक ज़रूर से कमेंट करके बताएं, और आपको कौन सा वाला कलर सबसे ज़्यादा फेवरेट लगा, और इस बाइक में आप लोगों क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखा था, वर्जन 2 में क्या क्या न्यू आने वाला है चेंजेस, आप लोगों ने क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखा ज़रूर से कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। तो इसी तरह मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं, तो टिल देन राइड सेफ टॉर राइडर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, सी यू सून।